फ्रेंड्स, वेलकम ओवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास है एंड आज हम करने जा रहे हैं बोट पार्टीपल 60 की अनबॉक्सिंग। दोस्तों यार, ये वाला जो पार्टी स्पीकर है मेरे हिसाब से काफी बेस्ट है। अगर आपका कम बजट है तो जरूर से आप इस पार्टी स्पीकर को परचेस कर सकते हैं। वैसे अभी इसका जो करंट प्राइस चल रहा है 4000 रुपीज। अगर आपको ये पार्टी स्पीकर को परचेस करना होगा तो डेफिनेटली आप पीसी मीडिया से परचेस कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में पीसी मीडिया का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। मैं आपको इसका थोड़ा कैरियोके का भी टेस्ट करवा दूंगा, क्योंकि आप सबको पता है यार, इस पर हमें वायर्ड वाला माइक भी मिल जाता है। सो मैं आपको कैरियोके का भी थोड़ा सैंपल टेस्ट करवा दूंगा एंड हम इसका डिटेल पे इंडोर एंड आउटडोर पे भी साउंड टेस्ट करेंगे। सो वीडियो काफी लंबा होने वाला है, आप वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा ताकि आपको प्रोडक्ट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों, वक्त ज्यादा ना गवाते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, ये है हमारा बोट पार्टीपल 60 का बॉक्स एंड देख लीजिए स्पीकर का डिज़ाइन बॉक्स पर बना हुआ मिल जाता है। एंड दोस्तों, बॉक्स के इस साइड पर हमें स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में मेंशन करा हुआ मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमें इस पर FM रेडियो, 2000 mAh की बैटरी, ब्लूटूथ 5.0 वर्जन, 20 वॉट का प्रीमियम साउंड आउटपुट, सुपर कंट्रोल्स इको वॉल्यूम माइक एंड माइक्रोफोन जैक फॉर कैरियोके, 4 आवर्स का प्ले टाइम। दोस्तों, फ्रंट पर हमें LED लाइट्स भी इस पर मिल जाती है, जो कि हम आपको वीडियो पर आगे दिखाएंगे। एंड इस पर हमें डायनेमिक इंडस्ट्रियल डिज़ाइन मिल जाता है, ऑक्स इन USB TF कार्ड का सपोर्ट मिल जाता है। दोस्तों, इस पर हमें इनबिल्ट इक्वलाइजर भी मिल जाता है, साथ में पोर्टेबल स्पीकर है, एडजस्टेबल कैरिंग स्ट्रैप भी हमें इस पर मिल जाता है। चले दोस्तों, अब अपने स्पीकर को अनबॉक्स कर लेते हैं एंड आपको हर एक चीज़ को डिटेल पर दिखा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, बॉक्स हमारा ओपन हो गया है। अब आपको सारे सामान को डिटेल पे दिखा देते हैं। दोस्तों, हमें USB केबल मिल जाती है चार्जिंग के लिए, ऑक्स केबल भी मिलती है। दोस्तों, वायर्ड वाला माइक भी हमें मिल जाता है बॉक्स के अंदर ही, एंड बिल्ड क्वालिटी माइक की हमें काफ़ी डिसेंट लग रही है। हमें यूज़र मैनुअल भी मिल जाती है, साथ में हमें वारंटी कार्ड भी बॉक्स के अंदर मिल जाता है। चलिए दोस्तों, अब स्पीकर को बॉक्स से बाहर निकालते हैं एंड अनरैप करके आपको डिटेल पे दिखाते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, हमने स्पीकर को अनरैप कर दिया है एंड यार, इसका डिज़ाइन हमें काफ़ी बढ़िया लग रहा है, साथ में यार काफ़ी कॉम्पैक्ट भी है। चलिए अब हम आपको इसे पूरे डिटेल में दिखा देते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसके टॉप साइड को डिटेल में देख लेते हैं। देख लीजिए, हमें LED डिस्प्ले मिल जाता है एंड हमें बटन्स मिल जाते हैं, जैसे कि मोड का बटन, लाइट का बटन, रिकॉर्डिंग का बटन, इक्वलाइजर का बटन, मोड का बटन, प्ले पॉज, प्रीवियस एंड नेक्स्ट के बटन हमें मिल जाते हैं। साथ में दोस्तों, हमें 3 नोब्स भी इस पे मिल जाती है, जिससे दोस्तों हम वॉल्यूम, इको एंड माइक की वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। हमें पावर ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है, चार्जिंग के लिए पोर्ट हमें मिलता है, LED इंडिकेटर मिलता है, USB पोर्ट मिलता है, TF कार्ड स्लॉट मिल जाता है, ऑक्स इन का पोर्ट मिलता है, साथ में वायर्ड वाले माइक को भी कनेक्ट कर सकते हैं। वाइड वाले माइक का पोर्ट हमें इस पर मिल जाता है। नीचे से देख लीजिए, बोट की ब्रांडिंग भी हमें इस पर मिल जाती है। दोस्तों, सामने की तरफ से हमें इस पर 10 वॉट्स के 2 ड्राइवर्स मिल जाते हैं एंड हमें देख लीजिए बेस रिफ्लेक्स सिस्टम भी मिल जाता है, जहां से एयर पास होगी। एंड दोस्तों, सामने की तरफ से हमें काफी बढ़िया लाइट इफेक्ट मिलता है, जो कि हम आपको आगे डिटेल पे दिखाएंगे। एंड देख लीजिए, रबर पैडिंग भी लगी हुई हमें इस पर मिल जाती है। दोस्तों, ओवरऑल यार बिल्ड क्वालिटी हमें काफ़ी बढ़िया इसकी मिल जाती है, मतलब आपको काफ़ी पसंद आएगी। साथ में यार, साइज़ के हिसाब से भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये। दोस्तों, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का स्ट्रैप भी हमें मिल जाता है होल्ड करने के लिए, तो यार ये चीज़ भी काफ़ी बढ़िया लगी कि यार हम इसे होल्ड कर अपने साथ लेकर जा सकते हैं, तो काफ़ी एडवांटेज है। अब देखते हैं दोस्तों यार कि साउंड क्वालिटी कितनी बढ़िया हमें मिलती है, तभी मज़ा आएगा अगर इसकी साउंड क्वालिटी हमें बढ़िया मिलेगी। चलिए दोस्तों, अब पावर ऑन कर लेते हैं एंड आपको थोड़ा डेमो दे देते हैं इसका। तो देख लीजिए, जैसे हमने पावर ऑन करा, लाइट जलने लग गई है डिस्प्ले पर, जैसा कि दोस्तों हमें इस पर लाइट का बटन मिल जाता है। सो हम देख लीजिए, उससे लाइट इफेक्ट को चेंज भी कर सकते हैं एंड लाइट्स को ऑफ भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले इसका थोड़ा लाइट डेमो दे रहा हूँ, आप डिटेल में देखिए कितना ऑसम लग रहा है ये, फिर हम इसका डिटेल पर साउंड टेस्ट करेंगे इनडोर एंड आउटडोर दोनों में। चले दोस्तों, अब हम आपको इसका साउंड डेमो दे देते हैं। सो प्लीज़ आप अपने हेडफोन्स का यूज़ करिएगा, तभी आपको साउंड क्वालिटी का पता लग पाएगा। देख लीजिए, हमने अपना फ़ोन ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर दिया है।
चलिए दोस्तों, अब इसका आउटडोर पे साउंड टेस्ट कर लेते हैं। सो प्लीज आप इस पर भी अपने हेडफोन्स का यूज करिएगा, तब भी आपको साउंड क्वालिटी का पता लग पाएगा। चलिए दोस्तों, अब आपको कैरियोके टेस्ट करवा देते हैं इस पर, एंड देख लेते हैं यार कि माइक की क्वालिटी हमें कितनी बढ़िया मिल जाती है। देख लीजिए, हम अपने माइक को कनेक्ट कर लेते हैं इसके साथ, एंड प्लीज़ आप अपने हेडफोन्स का यूज़ करिएगा, तभी आपको साउंड क्वालिटी का पता लग पाएगा। हेलो 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 तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इस मॉडल का साउंड बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। आई थिंक यार अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि इस मॉडल पर हमें एक्चुअल में कितना बढ़िया साउंड परफॉर्मेंस मिल जाता है। सो मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर से कमेंट करके शेयर करिएगा। चलिए अब मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ दोस्तों यार, अगर आप इसे ऐसा छोटा ब्लूटूथ स्पीकर के हिसाब से सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ऐसा ये पार्टी स्पीकर ही है, एंड काफ़ी बढ़िया साउंड आउटपुट हमें मिल जाता है दोस्तों। साउंड क्वालिटी के हिसाब से आपको लगेगा नहीं यार कि ये इतना छोटा सा स्पीकर है, एंड केवल 20 वाट्स RMS का साउंड आउटपुट के साथ आता है। साउंड क्वालिटी एक्चुअल में दोस्तों बहुत ही बढ़िया हमें मिल जाती है, जैसा कि हमने आपको इस पर इंडोर एंड आउटडोर दोनों पर साउंड टेस्ट करवाया, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। तो दोस्तों यार, मतलब बहुत ही बेटर बेस क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया हमें मिल जाती है, लाउडनेस भी काफ़ी बढ़िया है, साथ में दोस्तों क्लियरिटी भी हमें काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से यार, अगर आप कोई बढ़िया ब्लूटूथ स्पीकर परचेस करने की सोच रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है यार ब्लूटूथ स्पीकर का भी जो प्राइस है वो अच्छा, अगर आप परचेस करने की सोच रहे हैं तो इसी अराउंड पर मिलता है, तो मेरे हिसाब से आपको ये वाले को परचेस कर लेना चाहिए। काफ़ी बेटर साउंड आउटपुट आपको मिलेगा, एंड साथ में यार दोस्तों जो इसकी माइक क्वालिटी ना वो भी हमें काफ़ी बढ़िया लगी है। मतलब यार ओवरऑल पूरा पैकेज है पार्टी के हिसाब से, एंड इनबिल्ट बैटरी हमें मिल जाती है, सो आप अपने साथ कैरी कर लेकर जा सकते हैं इसे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो दोस्तों मेरे हिसाब से यार काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपका 5000 तक का बजट है एंड आप कोई बढ़िया स्पीकर परचेस करने की सोच रहे हैं तो ज़रूर से आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था मेरा लाइव एक्सपीरियंस जो कि मैंने टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर कर दिया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो ज़रूर से मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा। सो यार आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड दोस्तों अगर आपको इस मॉडल के साउंड को और डिटेल में जानना होगा तो ज़रूर से आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की ID का लिंक दे दूंगा। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।